तो आप देख रहे हो अभी स्टार्टिंग में ये क्या है, आप लोग भी सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में क्या दिखा दिया ये। तो खैर ये देखिए जो अभी मैं दिखा रही हूँ वो साईजी का कपड़ा है जो कि मैंने बनाया हुआ है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। और ये देखिए अभी मैं पूजा करने बैठी थी, एक्चुअली आज था गुरुवार तो मैं पूजा कर रही थी क्योंकि मेरा फास्ट होता है। तो देखिए मैंने सारे भगवान को नहला दिया था, अब मैं नहला रही हूँ साईजी को। और साईजी को नहलाने के बाद मैं उनको कपड़े चेंज करूँगी। इतनी अच्छी स्माइल दे रही थी मैं, वाओ। फिर उसके बाद मैं साई जी को कपड़े पहना रही हूँ। कपड़े पहनाने के बाद उनको रेडी करके मैं रख दूँगी, देन फिर दिया वगैरह लगा। तो देखिए अब मैं रंगोली बना रही हूँ। रंगोली में ये जो साँचा था, साँचे में ये सारा लिखा हुआ रहता है। ये जब ओपन होगा ना, मतलब हटा दूँगी इसे ना, तो ये आपको थोड़ा उल्टा दिखेगा। एक्चुअली फ्रंट कैमरा लगा हुआ था ना, इसीलिए गई है पूजा। देखो कैसे घंटी बज रही थी। घंटी बजने के बाद मैं हर गुरुवार को साई चालीसा पढ़ती हूँ, तो अभी मैं वही पढ़ रही थी। तो देखिए साई चालीसा पढ़ने के बाद मैं प्रेयर करने बैठी थी, मतलब प्रार्थना कर रही थी। एक्चुअली आज मामी का ऑपरेशन हुआ था जो मैं आगे भी बताऊँगी आपको, तो बस वही तब था, तो वही सबके लिए प्रेयर कर रही थी। मम्मी और दीदी वहीं गए हुए थे, तो मैं बस पूजा कर रही थी। पूजा मेरा ये मतलब रूटीन में ही रहता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, और करना भी चाहिए। इसमें अपने को भगवान जी की ब्लेसिंग्स रहती है। हेलो एवरीवन, और आज है थर्सडे। थर्सडे है तो मेरा फास्ट है, हर थर्सडे मेरा फास्ट रहता है। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। और ब्लॉग मेरा रहेगा छोटा सा, सिर्फ और सिर्फ। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आपने तो पहले देख ही लिया है कि मैं पूजा कर रही थी, तो वो मैंने मतलब देखा आपने। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, वैसे तो साईं भगवान का ही मैं करती हूँ, बट साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो आज है गुरुवार तो मैं उनकी फास्ट करती हूँ, तो मैंने उनको मतलब पूजा कर रही थी अभी मैं, तो पूजा वूजा करके अब हो गया है। तो सोचा अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया था व्लॉग अपना, तो कर लेते हैं। तो अभी ऐसा कुछ है, मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ अभी फास्ट है तो आज मैंने सोचा था कुछ बनाने का कि मैं क्या बनाऊँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी अप्पे या फिर बनाऊँगी साबूदाने के वड़े, साबूदाने के अप्पे या फिर साबूदाने के बड़े। तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बनाऊँ क्या। जब मैं बनाऊँगी तो मैं क्विकली डिसाइड कर लूँगी कि मैं बड़े बनाऊँ या फिर अप्पे बनाऊँ साबूदाने के। तो उसके पहले हम चलते हैं मेरे शैंकी को घुमा के आती हूँ, बहुत देर हो गया उसको नहीं घुमाई हूँ। आज मम्मी नहीं है ना, नहीं तो मम्मी हमेशा उसको टाइम टू टाइम लेके जाती है। तो मम्मी गई है बाहर मामी को देखने मेरे। एक्चुअली मेरी मामी की तबीयत खराब है, तबीयत खराब मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज उनका ऑपरेशन है। तो अभी तो ऑपरेशन हो गया है, बस उनका ही प्रे कर रही थी मैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। तो ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मम्मी और दीदी उनको देखने के लिए गए हैं। तो आज देखते हैं क्या क्या करते हैं। मेरा प्लान तो कुछ नहीं है, वैसे भी सारे काम तो सुबह ही हो गए थे, मतलब जल्दी हो गए थे आज काम। तो चलिए मैं चलती हूँ शैंकी को घुमा के आती हूँ, देन उसके बाद हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं देखते हैं, क्या बनाते हैं, बड़े बनाएंगे या फिर अप्पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, पहले उनका घुमा के आती हूँ शैंकी को। अरे अच्छे से था आपको, आज मैं क्या कर रही हूँ ये देखो, मैं अपना ना सेटअप बताती हूँ, कैमरे से बताती हूँ कि आज मैंने क्या ट्राई किया। तो स्पीकर है तो इसमें मैं क्या कर रही थी, मतलब अभी तो शूट करके दिखा रही हूँ, मैं दूसरे कैमरे में बताती हूँ। ये जो इसका स्टैंड है ना यहाँ पे, ये वाला स्टैंड, तो मेरे को मतलब जमता नहीं है थोड़ा पकड़ के मतलब व्लॉगिंग करना। तो मैं ये करती हूँ कि मतलब यहाँ पे ऐसे मोबाइल रख देती हूँ, ऐसे मोबाइल रख देती हूँ और देन फिर आप लोग के साथ बात करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा स्टैंड है, मेरे पास तो वो है नहीं, वो बहुत काम दे रहा है मेरे को। तो मैंने जस्ट सोचा आप लोग को बता दूँ कि देखो मैं कैसे शूट कर रही हूँ करके। तो ये छोटा सा था मेरा बक्सा जो मुझे बहुत काम दे रहा है। तो चलिए चलते हैं अब शैंकी को घुमाने के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। पहले से रेडी हो जाता है जाने के लिए। अरे 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 दीदी जा गई, हम जा रहे हैं अभी शूट करने के लिए। तो
शैंकी को घुमा के आ गई, फिर आते आते मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैंने निकाल के रखा है आलू, हरी मिर्ची, मीठा नीम, अदरक किसके रखा है और साबूदाना है। तो मैं आलू को कद्दूकस कर ले रही हूँ। कद्दूकस करने के बाद साबूदाना उसमें मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने साबूदाना को रात में भिगो के रखा था दही में, तो बस वो बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका था, तो इसे रात में ही भिगाना बहुत अच्छा रहता है। तो सारा जो कट किया था वो डाल रही हूँ उसमें। मैंने जीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है और काली मिर्च डाल रही हूँ अभी मैं। और ऐसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद ये इसका डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद हल्का सा हाथ में घी लेंगे या फिर ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी लेके मैं अप्पे का रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं अप्पे और वड़े दोनों बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने अप्पे और वड़े दोनों रेडी करके रख दिए थे और ये बहुत कम तेल में बनता है। तो मैं अप्पे घी में बना रही हूँ, देसी मतलब असली घी में, और जो वड़े हैं उसको हम ऑयल में बनाएंगे। तो मैं दोनों प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। तो अप्पे के देखो मैंने नॉर्मल साइज़ के गोले बना लिए थे, राउंड राउंड छोटे गोले बना लिए थे। और वड़े को भी देखो इस तरीके से मैंने रेडी करके रखा था। तो थोड़ा सा बच गया था तो वो चार ही बने, तो सोचा वड़े भी बना लेते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता है। जैसे फ्राई करते हैं अपन, मतलब तलते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो ऑयली ऑयली लगता है और फास्ट में कैसे कोई खाने के लिए नहीं देखता है। मैं भी नहीं खाती हूँ इतना ऑयली वाला, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ट्राई करते हैं। तो मैं अब यही ट्राई करी। तो देखिए अब ये पक रहा है थोड़ा सा, 15-20 मिनट, मतलब जैसे देख देख के पका सकते। तो देन मेरे पास आलू बचा हुआ था तो उसमें मैंने डाला है अभी इसको मैश करके, मिर्ची, जीरा पाउडर और काली मिर्च, नमक डाला है थोड़ा सा और शक्कर डाला है। इसे हम डो बना के ऐसे रख देंगे। देन इसका मैं आगे आपको बताती हूँ करना क्या है। तो देखिए अप्पे अभी रेडी हो चुके हैं, मतलब थोड़ा फ्राई करना है इसे दोनों साइड से। तो अभी हम इसे पलट लेते हैं, एक साइड का तो हो गया, दूसरे साइड का पकाने के लिए उसे रख देते। सेम वैसे ही हम वड़े को भी देख लेंगे, वो भी रेडी हो चुका है, उसे भी हम पलट लेते हैं। और ये बहुत क्रिस्पी बनता है, मतलब क्रिस्पी बना था, तो इसे भी हम पलट लेते हैं। तो देखते हैं आगे हम अब इसकी क्या करने वाले हैं। ये तो इसके भी ढक के रख देते हैं। देन अभी हम चटनी की तैयारी करते हैं। मेरे पास सांभार नहीं था तो मैंने सांभार यूज़ नहीं किया, आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें 3 चम्मच खोबरा किस ले रही हूँ, खोबरा हो तो खोबरा भी डाल सकते हो। और मैंने सेम 3 चम्मच इसमें दही लिया हुआ है, खट्टा दही था ये। उसमें 3 हरी मिर्च डाला है, शक्कर डाला है और नमक डाला है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर सांभार रहता तो और ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो अब ये वड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए किस तरीका का दिख रहा है, एकदम टेस्टी टेस्टी सा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था और एकदम कम तेल में बना था ये। तो अब देखिए थोड़ा सा तेल जो बच गया था उसी में हमने जो डो रेडी करके रखा था आलू का, वो हमने इसमें डाल दिया। तो इसका बन जाएगा आलू की टिकिया। तो इसे लास्ट में देखिएगा, तब तक ये पक रहा है थोड़ा सा। तो अब अप्पे भी हम निकाल लेते हैं बाहर। और जो वो आलू का बन रहा है ना, वो थोड़ा क्रिस्पी रखना, वो क्रिस्पी पे इसका टेस्ट आता है। देखिए इस तरीके का भी, एक साइड का पक गया तो दूसरे साइड का भी इसे पका लेते हैं। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो थोड़ा क्रिस्पी होने तक का इसे पकाना है। तो मैंने इसे ऐसे ही पकाया था और मुझे थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी थाली भी रेडी हो चुकी है, मतलब उपास की थाली है, वड़े है, अप्पे है, आलू की टिकिया के ऊपर हम डाल रहे हैं दही जिसको मैंने नमक शक्कर डाल के मिक्स किया था, और इसमें डाल रहे हैं अभी लाल मिर्च। तो ये अभी रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको देख के मैंने अभी जो बनाया? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ बनाऊंगी अप्पे, तो लेकिन मैंने बना लिया जो बचा था उसका, तो मैंने उसका टिकिया भी बना लिया। टिकिया भी नहीं बोल सकते उसको, साबुदाने के वड़े ही थे वो, बट उसको मैंने पूरा फ्राई नहीं किया, मतलब तला नहीं उसको मैंने, सिर्फ फ्राई किया हुआ है कम तेल में। तो जो भी मतलब खाने, जैसे कोई तेल से बहुत डरता है कि नहीं मुझे इतना तेल नहीं खाना है फास्ट में, तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हो। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मैंने अभी पापा को भी टेस्ट करने के लिए दिया, तो पापा बोलते बहुत टेस्टी बना है ऐसा बोल रहे थे पापा। तो खैर ठीक है, अभी मैं खाने की हूँ, तो मैंने सोचा पहले आप लोग से बात कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं स्टॉप करती हूँ, और सच में आप लोग इसे एक बार ट्राई करके देखना, मतलब फास्ट करूँगी तो ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं फास्ट करती हूँ तो मैं हर समय कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो इस समय मैंने ये ट्राई किया है और मैंने आप लोग के साथ भी शेयर किया है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि ये कैसा बना था, और आप लोग ने बनाया तो वो कैसा बना था। तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब मुझे भी भूख लग गया, तो मैं अभी चलती हूँ खाने के लिए। बाय।